गाइस अभी हम लोग नारकंडा में, जैसा बताया था मौसम बहुत खराब हो रहा था, यहीं रुक रहे थे। तो अभी जस्ट अभी 11 बजे और 12 बजे चेकआउट टाइम होता है अपना होटल का। तो 11 बजे मौसम ठीक हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं जरा। तो मौसम देखो एकदम से बदल चुका है, धूप निकला है और रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। तो सोच रहे अब निकल ही जाए, तो बस अब सोच रहे हैं यहाँ से निकल चलते हैं। तो आगे जाकर रुकेंगे क्योंकि मौसम ठीक हो गया, धूप निकली है, बारिश नहीं है, आगे भी कह रहे बारिश नहीं है। तो यहीं से निकल रहे हैं फटाफट हम लोग और पैकिंग कर रहे हैं, सामान सारा बिखरा पड़ा है। तो पैकिंग कर रहे हैं, अरेंज करते हैं, सीधा मिलते हैं बाइक पे और आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे जाके कहाँ स्टे करते हैं। तो चलो बने रहना वीडियो में, चलो ठीक है ना, फटाफट हम तैयारी करते हैं, चलो मिलते हैं। तो गाइस होटल से बाहर आ चुके हैं, ये होटल है हमारा महामाया हेरा, और बाइक पूरी तैयार हो चुकी है, लोड कर दी हमने निकलने के लिए। धूप देखो निकल चुकी है, और सुबह कैसा मौसम था बस ये चेक कर रहा हूँ। लॉक्ड है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान पैक्ड हो चुका है हमारा, फुली लोडेड हो चुकी है। मम्मी बिल्कुल रेडी है, उनको बस मेरे को देने हैं अपना ग्लव्स, उसमें रखे थे ग्लव्स, तो उनको ग्लव्स दे दो क्योंकि हवा में बहुत ठंडक है। इनको देते ग्लव्स, ये वाला तो वो ग्लव्स दे देते हैं, बाकी मैं बाद में डालूँगा अगर मेरे को लगेगा। तो ये भी हो गया लॉक्ड, उनके बस रेडी है, भगवान जी का नाम लेते हैं, देखो आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। और सामान सारा रख लिया हमने, कीस आ गई हमारी, ये बंद, यही बंद, सब चेक, ऑल चेक कर लिया। ये है मेरा, यही है। वहां पर बहुत स्नो पड़ी हुई उस साइड पे। हेलो, हाँ वहां पर बहुत स्नो पड़ी हुई उस साइड है। एक मम्मी पहले बाइक उतरवाना है, ग्लव्स डाल लो पहले आप, हेलो, हाँ ये मम्मी का, तो उनको दिक्कत हो रहा है उसके चक्कर में। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ पर रख लेते हैं इनका, ठीक है। एक मिनट आगे करवा दो, फिर ग्लव्स डाल लेना। चलो चलो, जय माता दी, बोलो चलो, ठीक है। हाँ, भाई कल गाड़ी बाइक अपनी चला के लाए थे अपनी, इसमें आ रही है 396, 695 लगी, 97 मतलब 400 किलोमीटर तकरीबन। अभी देखो आगे कितना जाते हैं, अभी पेट्रोल भी लेना है, हाफ टैंक है लेकिन पेट्रोल लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो जय माता दी करो, चल बस अपना निकल चुके नरकंडा से, नरकंडा वापसी आएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे जैसा मौका लगता है, अभी तो फिलहाल निकल रहे हैं और आगे चलेंगे हम अपना रामपुर की तरफ। रामपुर नीचे की तरफ को है अपना, नीचे जाना हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं, जो भी पहला पेट्रोल पंप आएगा पेट्रोल जरूर ले लेंगे हम। ये जाना हमने नीचे, बस तो चलो बढ़ चले हम रामपुर की तरफ। पेट्रोल मेरे ख्याल से इसी लाइन में रहे आगे, ये पेट्रोल पंप आ गया इंडरलॉक का, यहीं से ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर फोन पे चलता तो फोन पे दे देंगे। फोन पे शायद चलता है, फोन पे लेते हो ना, अच्छा चल जाता है, फुल करना टैंक। चलो जय माता दी,
लो जी हम निकल चुके हैं स्नो पीक्स यहाँ से। भाई क्या मस्त आ रही है भाई साहब, वो देखो कितनी स्नो है आगे, भरा पड़ा है। बस अब स्लोली स्लो चलेंगे क्योंकि सड़क भी गीली है, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे हम। बहुत स्नो है, सुबह बारिश पड़ी है ना वहाँ पर स्नो पड़ गई है, यहाँ पर तो हल्की हल्की पड़ती, वहाँ बर्फ पड़ गई खूब। रास्ता बहुत बढ़िया हो गया है ना मम्मी, बस अपना आराम आराम से चलते रहेंगे ऐसे स्लोली, 30-40 पे, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को, अपना सेफली जाना सेफली आना हमारे को, क्यों हाँ क्योंकि अभी डाउन है सारा सारा डाउन है ये। रामपुर है यहाँ से 65, ठीक है अभी टाइम 12 ही बजे, 12:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम, हाँ नहीं 12 ही हो रहे हैं, 12:10 ही है तो ठीक है अपना 65। अगर एक घंटे में हम लोग, 2 घंटे में देखो 30 किलोमीटर निकलेगा एक घंटे में, हाँ 1 घंटे में 30 किलोमीटर निकलेगा, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे में, बाकी देखते हैं आगे रास्ता कैसा, अभी तो सही चल रहा है जिस हिसाब से रास्ता उस हिसाब से बोल रहा हूँ। भाई कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी नए बन रहे कॉटेजेस यहाँ पर, कितने सुंदर लग रहे हैं, कैंप साइट्स बन रही है यहाँ पर प्रॉपर। भाई स्नो पीक्स है भाई, मज़ेदार है ना मम्मी, कैसा लग रहा है ना भाई, मंकीज बहुत है नरकंडा में, मम्मी देखो सुंदरता क्या सुंदर है मम्मी, है ना आया मज़ा, देखो सही जैसे लग रहा स्विट्जरलैंड में हो, जैसे हम गए नहीं है स्विट्जरलैंड पर लग वैसे रहा जैसे देखा टीवी में, वाह भाई वाह। अभी नरकंडा से अभी 2-3 किलोमीटर ही आया, भाई यहाँ से बस सर्विस मैंने पता कर दी सारी जा रही है, काजा तक चल रही है सर्विस, शुरू है चालू है बस, यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ेगा हमारे को। ये देखो लेक्स भी बनी हुई है यहाँ पर, लेक कह रहा हूँ वो वाटरफॉल है छोटी सी, अरे खुशी के मारे कुछ भी निकल रहा है। हाँ सुहाना हो गया, हाँ मम्मी को ग्लव्स पूछे कैसे चल रहे हैं मम्मी, ग्लव्स अच्छी है, गरम है। चलो डीकैथलॉन से लिए थे जो दिखाया था वही वाले ग्लव्स है, बढ़िया काम कर रहे हैं, स्कीइंग वाले लिए थे हमने है ना, है ना भाई। थोड़ी सी सड़क देखकर क्योंकि गीली है सड़क और हम लोडेड है, भाई साहब क्या सुंदर नज़ारा है, ये तो बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से तो। ढलान है भाई, वाह भाई वाह मम्मी, रुकना है यहाँ पर है? रुके दो मिनट, देखो भाई सामने पीक्स देखो कितनी सुंदर है, बस यहाँ पर 10 मिनट रुकते जाना, उतरते हैं फोटो खींचेंगे, थोड़ा आगे लगाता हूँ मैं गाड़ी का। चलो मम्मी आप उतरो फिर लगाऊंगा, आराम से उतरना कोई टेंशन नहीं। तो गाइस देखो यहाँ रुके, ये देखो सामने का व्यू देखो, बर्फ से बड़े हैं, बर्फ से ढके पहाड़, जुबान ही स्लिप हो रही है, बादल देखो कितने हैं।
है ना, कितना अच्छा लग रहा ना। तो गाइस देखो नज़ारा पीछे, तो भी यहाँ पर रुके, तो यहाँ पर हम कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो जितने भी हम फोटोग्राफ्स होते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है wifi.traveler के नाम से, जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है मेरे को जाके फॉलो कर लो, तो जितनी फोटोग्राफ्स होगी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कुछ फोटोग्राफ्स, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, बने रहना। तो गाइस देख सकते हो नज़ारे ऊपर कितने बादल ऊपर देखो ढके पड़े, मौसम थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है, बस यहाँ से निकल जाए। अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 47 किलोमीटर दूर है रामपुर, तो बस निकल जाए बस यहाँ से, क्योंकि मौसम ख़राब ही लग रहा है मुझे अब यहाँ पर, है ना। ठीक हुआ था बादल ढक गए, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। नज़ारे तो अच्छे हैं, और अगर ज़्यादा लेट गया ना फ़ोटो वोटो खींचने में तो भाई यहाँ पर लेट हो जाएंगे हम यहाँ पर। अभी तो एक ही बजा, अभी कुमार सैन क्रॉस किया हमने, अभी रामपुर के लिए हमें मुड़ना है, ये रामपुर ही जा रहा है रास्ता सीधा। आगे पहाड़ियाँ देखो चेंज होती जाएंगी, अभी देखो कैसा रास्ता आ रहा है, कितनी ढलान है, वहाँ जाना नीचे हमारे को, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाना हो, देखो जगह देखना। अभी अभी आगे से दिखाता हूँ, ये देखना नीचे, वहाँ नीचे जाना हमारे को, इससे नीचे रास्ता तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो रामपुर गए, इधर को मुड़ना भाई, वो सांझ जाता है मेरे ख्याल से, यहीं से मुड़ते हैं ना रास्ते दोनों, ये आ गया ना, तो भाई मुड़ गया अपना रामपुर के लिए। देखते रास्ते कैसे मिलते हैं हमारे को, हैं अब रास्ते देखने वाले भाई क्या मिलता है। देखो भाई थोड़ा तो यहाँ से नहीं भाई, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी तो 1:15 हुआ है और ऐसा लग रहा भाई शाम हो गई हो, अभी यहाँ पर ना मौसम थोड़ा डल हो गया है ना, डल हो गया मौसम, धूप नहीं है, या तो धूप पड़ती नहीं, ऊपर बहुत बादल भी ना भरे पड़े, देखो भरे हुए ना, देखो भाई अगर सही रहता मौसम रामपुर तक तो पहुँच ही जाए कम से कम। सैंतीस किलोमीटर आ रहा रामपुर, भाई ऐसे मौसम रहा, चलो कोई नहीं बारिश बारिश ना हो, बारिश ना हो फिर प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। तो गाइस देख सकते हो आगे रिवर, सतलुज रिवर, ये देखो वहाँ तक जा रही है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, है ना, बहुत सुंदर लग रही है। अभी और आगे रास्ता जाना, अभी यहाँ से जाना 30 या 32 किलोमीटर है रह गया रामपुर, तो देखते हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा, ऊपर देखो काले बादल, कहीं बारिश ना पड़ जाए बस। चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ठीक है ना, चलो। तो गाइस यहाँ पर चढ़ाई शुरू हुई थी, चढ़ाई करिए थोड़ी सी, देखो ऊपर से नज़ारा आप देखो भाई, नज़ारे क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर नज़ारे बहुत बढ़िया अब आ गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। आगे और दिखाता हूँ, नीचे जा रही रिवर देखो नीचे, हाँ नीचे दिखाता हूँ, वो देखो नीचे रिवर, वो नीचे रिवर जा रही है। चलो नीचे उतरते लेट हो जाएंगे, चलो। तो गाइस देख सकते हो रास्ते रामपुर जाने के,
भाई जो लोग नारकंडा के बाद आगे नहीं आए ना, वही आगे आए, देखकर जाए भाई, मज़ा आएगा, डिफरेंट है एकदम, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस से आगे निकलो। मतलब ये भी टूरिस्ट प्लेस बन गया लेकिन अभी लोग कम हैं यहाँ पर आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे अपना रामपुर में तकरीबन 2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे करीब पहुँच गए थे। रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई थी, बूंदे बूंदे बूंदे, बस होटल नहीं मिल रहा था। मतलब तो रामपुर लगता स्टार्टिंग में हमारे को हिमाचल टूरिज्म का ये होटल मिल गया था इधर, ये वाला। तो यहाँ पर सारे रूम बुक थे, यहाँ पर एक रूम मिला लेकिन नीचे बेसमेंट में है, 2 फ्लोर्स नीचे उतर के। तो होटल अच्छा, रूम अच्छा है, तो आपको रूम दिखा दूँगा। तो यहाँ मिल गया। अब उसके बाद जब बैठ गए तो भाई धूप निकलाई है, मतलब रास्ता कवर कर सकते थे हम आगे, है ना, जाते वक्त। अच्छा हो गया मौसम। हाँ रास्ता कवर कर सकते हैं लेकिन अब ठीक है, अब ये ले लिया हमने होटल, यहाँ पर स्टे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आपको रूम दिखाता हूँ पहले, ये वाला है, अगर आप आओ तो इधर आ सकते हो। अच्छा बना हुआ बाहर से होटल, होटल तो अच्छा बना हुआ है। ये बाहर स्टार्टिंग में पड़ता है रामपुर, दिखा हुआ है यहाँ पर सामने, तो रूम दिखाता हूँ। हाँ ये अपनी बाइक खड़ी हुई यहाँ पर बस, ठीक है खड़ी हुई, रिसेप्शन दिखाता हूँ, रिसेप्शन बना हुआ है यहाँ पर, होटल बना हुआ है इधर, रेस्टोरेंट है इधर बने हुए रूम्स। अपना है नीचे को है अपना, तो ये इसे गार्डन भी है छोटा सा, नीचे दिखता है हमारे होटल रूम में से, ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है। खैर रुक गए, सही मिल गया। रामपुर में ज़्यादा होटल का हिसाब किताब नहीं दिख रहा मेरे को ऑन रोड पे। अगर कोई लोग आ रहा है इस साइड पे तो रामपुर में यहाँ पर रुक सकते हो, इसके आगे जाते तो मार्केट आती है, मार्केट में 2-3 होटल हैं, कोई 4 स्टार भी है। हम गए थे वहाँ पर, 4 स्टार अब बहुत भरा पड़ा था, और बाकी इससे पहले बहुत सारे होटल आते हैं, उधर रुक सकते हैं। क्यों भी इससे पहले अच्छे वो ज़्यादा अच्छे हैं रामपुर में। हाँ रामपुर में ना ये एक होटल अच्छा है, HP वाला, बाकी पीछे और होटल उससे पहले जब आओगे ना तो होटल है यहाँ पर। तो रूम दिखाता हूँ अपना, ये रहा 102, रूम खोल रही है मम्मी, मम्मी के हाथ में चाबी, और देख रही है खुलता है कि नहीं खुलता। होटल निकल रहा भाई, खोलो भाई भाई तो खोलो, उसे चाबी नहीं लग रही। तो ये खुला रूम, ये अपना बड़ा टॉप बॉक्स, देखो सही बना हुआ है यहाँ पर, हमने हेलमेट रख दिया, अलमीरा वगैरह बनी है। वॉशरूम दिखाऊं बेकार लगता है, और वॉशरूम दिखाना, पर ठीक है चलो दिखा देता हूँ, आइडिया लग जाए बराबर, ठीक है साफ है, चलो हो गया मेरा भाई, ठीक है। रूम अच्छा बना हुआ है, ये अपना सामान पड़ा हुआ, ये जो टेबल लगी है अपना आराम से, उससे बड़ा है नरकंडा वालों से बड़ा है, और ये अपना कुर्सी भी आ गई, चेयर आ गई, ये बेड लगा हुआ अपना बढ़िया, ये पीछे व्यू बस गार्डन का, ठीक है ना, ये अच्छा बना हुआ गार्डन का व्यू, जा सकते हैं यहाँ पर, गार्डन का रास्ता है पीछे से जा सकते हैं। बाकी बस यही है, यहाँ पर अभी आ गए, अब रुक गए तो रुक ही जाए, क्योंकि उस टाइम जब हमने होटल गया था तब बारिश पड़ रही थी और हम गीले हो रहे थे, मैंने इसलिए गोप्रो भी उतार दिया था कि भाई गोप्रो खराब हुआ था, वाटर प्रूफ करा नहीं था, मैं इसको तो उतारू वरना वीडियो तो मैं बनाता कि चलो हम पहुंच गए, लेकिन इसे उतार दिया था, बारिश हो रही थी पर होटल करना पड़ा, मैं कहा आगे फिर बहुत बारिश हो जाएगी तो फिर फंस जाएंगे और गीले हो जाएंगे, तो भाई इतनी ठंडी हवा चल रही थी। पहुंच गए अब, कर लिया स्टे कर लिया, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो बाकी अभी वीडियो ब्लॉग खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे खाना वाना खाते हैं, कुछ मार्केट अगर जाते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको, आगे मार्केट बहुत सजीव है। हम आगे तक गए थे भाई, पता नहीं कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा है यहाँ पर इनका, खूब जलेबियाँ पकौड़े और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, और सब्जी ने लाइन लगा के बना रहे भाई जलेबियाँ पकौड़े, तो मुंह में देखकर पानी आ गया, मैं पहले जरा होटल कर ले, बारिश पड़ रही है, देखना जलेबियों का मजा लेना, अभी देखते दिखाता हूँ मैं। चलो अभी आगे चलते, रूम दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है ना, चलो ठीक है चलते उसके बाद, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर है रामपुर में, और ये मार्केट है यहाँ पर, ये वाली, ये होटल देखा था हमने, ये 4 स्टार होटल है, इसके रेट कोई 4,000-5,000 रुपये कह रहा है, रूम भी नहीं मिल रहे थे हमें, 4-5,000 का तो रूम चाहिए नहीं था, इमरजेंसी में लेना था। बाकी ये होटल है वहाँ पर, बाइक लगा दी, बाइक से हैं, हमने कहा चलो आपको मार्केट दिखाऊँ क्या चल रहा है, मम्मी कहाँ से आ गई दिल्ली से, रामपुर पहुँच गई,
बारिश नहीं होती तो आगे पहुंच जाते, देखो बादल फिर हो गए है ना भाई। यहाँ पर थोड़ा ऐसी ही है। हाँ देखो ना जलेबी, देख भाई यहाँ पर कोई प्यार भी आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर तो जलेबी। अच्छा त्यौहार वगैरह है कोई, वैसे चलता रहता जलेबी लेबी यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कोई त्यौहार वगैरह है वैसे चलता रहता जलेबी पकौड़े यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ आज कोई त्यौहार वगैरह है या जलेबी पकौड़े चल रहा है? किस चीज़ का मेला था? भाग मेला। भाग मेला वही गाँव में कुछ है तभी सब्जी लगे हुए हैं। भाग मेला था तभी देखो जलेबियाँ वगैरह पकौड़े चल रहे हैं, दो तीन दिन पहले था। सही क्या वही घूमने आए अपने घर भी देखेंगे। एक भाई क्या चल रहा है? हाँ भाई कैसा लग रहा है? जलेबी खानी है आपको? पकौड़े खाओगे तो लो खाओ पकौड़े, लो लो पकौड़ा खाओ भाई, मिक्स है। बारिश भी बंद होगी, अभी हो जाए फिर से। राजा का अच्छा अच्छा, हम तो बारिश हो रही थी इसलिए रुक गए, हम तो आगे जा रहे थे। हमें तो वहाँ जा रहा था सांगला। हाँ तो हम लोग यहाँ रुक गए, बारिश पड़ गई ना इसलिए हम यहाँ रुक गए रामपुर में। अब यहीं से करेंगे ले लो। चलो पकौड़े लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई सब्जी ने जलेबियाँ बना रहे हैं यहाँ पर, सब बना रहे जलेबी पकौड़े। मम्मी पकौड़े खा रही है। चलो भी आप ही यहाँ रामपुर के पकौड़े कह रहे, यहाँ के नहीं खाया तो क्या खाया हमने? आ जाओ आगे, बस यही मार्केट बनी हुई है इसलिए बाजार लगा हुआ है। कौन सा था मेला? बाग था है ना, कुछ कह रहे पीछे राजा का कोई वो है महल है पता नहीं, वहाँ लगता है मेला। देखो सारा लाइन से लगा हुआ, लाइन से यहीं पर यही चीज़ चल रही है, पकौड़े वकौड़े। देखो जलेबी कितने लगे हुए, कह रहे 3-4 दिन हो गए लगे हुए। बाकी अंदर मार्केट भी है कपड़ों उपड़ों की, कपड़ा सारा सब वही चल रहा है। मम्मी गन्ने का रस पिएगी? नहीं भैया का तो गन्ने का रस। चल आ जाओ मजे लेते हैं, खिला दो तो। नहीं डर के मारे खिला नहीं रही, देखो गर्म बहुत है, अपने आप खा ले तो ज्यादा अच्छा। बढ़िया बारिश हो जाए, अब हो जाए मज़ा आएगा। चलो ये मज़े लेते हैं इसके हम। तो गाइस अभी देखो होटल में आ गए, लेकर आ गए हैं जलेबी, एक मम्मी खा गई है। मम्मी खा गई, जैसे वीडियो लगाई ना चेक कर लिया। बाल ऐसे हो रहे मेरे अजीब से, कभी चिपक गए हेलमेट डाल के, हेलमेट डाल के चिपक गए, शक्ल ही बदल गई है। बस जैसे ही बोला ना भाई धूप इतनी आगे आगे जा सकते भाई, जलेबी लिया वहीं खाते, वो बारिश होगी उसके बाद धुपते में आए वापसी होटल। क्योंकि हमारा होटल जहाँ पर बाजार है ना, तो बाजार में जो होटल बताए थे वहां पर तो 2-4 ही होटल है सर, जो पहले बता चुका हूँ मैं तो उसको दोबारा क्या बोलना है, पहले ले लेना होटल एचपी वाला, तो हमारा 1.5 किलोमीटर आगे है, पहले पड़ता मतलब पहले उससे पहले है, तो वापसी आए फटाफट। तो अब ये बस जलेबी के मजे ले रहे हैं। तो ये जलेबी कैसी है? ठीक है यहाँ पर लोकल के हिसाब से सही है, लोकल थोड़ी कच्ची कच्ची लग रही है मेरे को तो, व्हाइट व्हाइट सी है, कच्ची नहीं है अच्छी है, ठीक है रामपुर की, रामपुर की। चलो यहाँ पर है अभी बस, और थोड़ा सा आराम करेंगे और सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, सीधा जल्दी निकल के। तो मौसम अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, आगे चितकुल जाना है यहाँ पर हमने, तो देखो सफर जल्दी होते हैं, यहाँ से 120 किलोमीटर है अभी भी, 120 किलोमीटर जाना। तो बाकी कह रहे हैं आगे, उससे आगे तो पता नहीं, उसको उस रास्ते में पता नहीं किसे कह रहा है, कह रहा बर्फ पड़ी है वहां पर खूब,
तो पता नहीं, वो तो रास्ते में जाके पता लगेगा भाई बारिश इतनी हो रही है। अभी सुबह भी के मौसम देखते क्या चलता है, अभी भी धूप बारिश ऐसी चल रहा है। चलो देखते हैं, बाकी अभी मजे लेते हैं इसके। गाइस शाम के बज चुके 8 और थोड़ी देर हम सो गए थे, उस वक्त उठ गए, भूख लग रही है क्योंकि हमने सुबह मैगी खाई थी, उसके बाद हमने वो पकौड़े ही खाए थे क्योंकि उस टाइम में दिल भी नहीं कर रहा था वो बारिश में। तो जब सोच भी रहे थे, शायद सोच रहे थे कुछ खा भी लेंगे ले जाएंगे, पर वो बारिश। चलो खैर सो गए, उसके बाद फिर हमने खाना मंगा लिया भाई। हम तो मम्मी की आज मैंने बात नहीं मानी, मम्मी करती भाई वेज ही मंगा ले, कम से कुछ खा ले। मैं कहा नहीं चिकन खाना, चिकन खाना। तो भाई चिकन मंगा लिया, पर दिखाना जरा भाई यहाँ पर क्वांटिटी बहुत कम है, देखो सही। चलो कोई नहीं, साथ में रोटी दिखाना। तवा रोटी मिल रही है यहाँ पर ना, वो नहीं है एक्चुअली यहाँ पर ना, कह रहे तंदूर नहीं लगे हुए, तंदूर रोटी है ही नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें तो लिखा ही नहीं था यहाँ पर कि तंदूर रोटी है, प्लेन रोटी लिखी हुई है, तंदूर रोटी तो मिल नहीं रही है। तो भाई चिकन मंगा लिया, ये खा रहे हैं। और मम्मी बताएगी इसका कैसा है बनाया, अभी अब कैमरा मैंने पकड़ा होता तो मम्मी से रिव्यू मांगेंगे ना भाई कैसा है। सही बात, पता नहीं मम्मी का दिल भी नहीं कर रहा खाना खाने का, पता नहीं, कह रही थी मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी थोड़ा सा खाऊंगी। हरी मिर्ची मत खा लेना, ये दे। कैसा होना सच्ची बताऊं? अच्छा ठीक ठीक है, खास नहीं ठीक है, खाने में टेस्टी है, इतना खास नहीं है, शक्ल बता रही है कल का बहुत ज्यादा स्वाद था है ना, अजीब सा लगा आपको, इतना खास नहीं लग रहा। असल मुझे कढ़ाई चिकन है ना, तो उसमें वो शिमला मिर्च प्याज वगैरह आ रहे हैं, बस तो अच्छा। तो गाइस फिर ये बस खाते देखते, मेरे को पसंद आता नहीं आता, फिर देखते वरना कुछ और ऑर्डर कर लेंगे, वरना कुछ करते ठीक है, खा ही लेंगे ठीक है। खाना लायक है? हाँ हाँ खाना लायक तो है, खा लेते भाई, दो चार रोटी खानी है खा लेते भरना। तो बस फिर हम लोग हैं रामपुर में रुक गए थे भाई, देखो ज्यादा सफर तो तय नहीं करा, 65 किलोमीटर क्या होते हैं, हम एक डेस्टिनेशन नरकंडा से 65 किलोमीटर चले, आगे जा सकते थे, सोचा था कि आगे जाएंगे, रामपुर बोल रहे थे कि रामपुर तक जाएंगे, तो एक होता कि चलो बारिश के हिसाब से मौसम खराब था, लेकिन मौसम सही में खराब हो गया था उसके बाद, फिर से अगर खुला हुआ था ना हम सोच रहे थे चल आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, सच्ची हमारे प्लान में ये था, पर मौसम ऐसा हो रहा था कि मैं धोखा दे रहा था, धूप तो आई थी, बारिश फिर शुरू हो गई थी भाई, काफी देर बारिश होती रही, हम लोग अभी आधा घंटा पीछे थे, हम लोग तक 20 किलोमीटर पीछे थे, बारिश शुरू हो गई थी। तो बस ये था कि भाई चल रामपुर जाके स्टे कर लेंगे, फिर एक जगह पे सही पे मिल जाए तो हमने सोचा था, तो बारिश हो रही थी तब से, यहाँ पहुंच गया, होटल वोटल कर लिया, सब कुछ कर लिया, सामान ले आया, चलो एक घंटे बाद धूप आ गई, यार ये क्या हो गया, एक घंटे बाद धूप आ गई, उसके बाद जब बाहर निकले तो भाई धूप और फिर बारिश, तो बस चलो कोई नहीं। तो खैर तो ये व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाएंगे यहाँ से, फिर सीधा सोच रहे कि चितकुली सीधा करेंगे, यहाँ से रह गया 116 या 120 किलोमीटर है, देखो वैसे तो प्लान है कि मैं सुबह निकल के डायरेक्ट सीधा चितकुली पहुंचे, तो कल का सफर चितकुल का रहेगा, तो यहाँ पर आने में भाई टाइम मिलते हैं, कंटिन्यूस एक साथ नहीं पहुंच सकते और पहुंचे तो भाई गाड़ी हो या फिर ऐसी कोई बात हो भाई चलाई जाओ भूत की तरह, तो भाई वो तो अलग सीन है, मजे लेते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए, बाकी मौसम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कहां तक ले जाए, वो तो है ही। कल भी देखो कह रहे भाई बर्फ तो पड़ी हुई है वहां पर, क्योंकि बारिश हो रही थी जिस हिसाब से, तो कह रहे बर्फ पड़ी हुई, देखते रास्ता कहां तक लेके जाता है, रास्ता तो वहीं तक लेके जाएगा पर हालात कहां तक लेके जाते हैं। तो चलो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे चितकुल, तो चलो बने रहना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बाकी मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं सारे अपडेट्स वहां पर डाल रहा हूँ और टाइम टू टाइम डाल रहा हूँ, वीडियोस थोड़ी सी लेट आती है, तो आगे से कोशिश करेंगे कि साथ के साथ, मतलब कि तब भी वीडियोस ना लेट ही आती है, जैसे स्टोरीज तो हम फटाफट अपलोड कर देते हैं जैसे आप लोगों को पता है, तो वीडियोस थोड़ी देर बाद आती है, तो जल्दी करेंगे ऐसा कि किसी टाइम में कि वीडियोस ना 2-5 दिन बाद आ जाए, ये वाली वीडियोस मेरे ख्याल से शायद हमारी पर एक हफ्ता लग जाता है, एक हफ्ता जैसे हम टूर कम्प्लीट करके घर जाएंगे तो उसके बाद शुरू हो जाएंगे वीडियोस, तो जो खैर धीरे धीरे प्लानिंग चेंज होती रहेगी और बढ़ोतरी हमारी होती रहेगी तो फास्ट होते रहेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, रखते हैं यहाँ तक, चलो बाय बाय, चलो मम्मी बाय बाय कर दो भाई, बाय 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 बाय।